जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों और प्रेमियों, आज की वार्तालाप का विषय है गुरु तत्व। श्री गुरुदेव का सानिध्य ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। मैंने ऐसा सुना है, जो भगवान को ढूंढने जाते हैं वो ढूंढते ही रह जाते हैं, पर जो गुरुदेव की सेवा करते हैं उनको भगवान ढूंढने स्वयं आते हैं। इस पूरे विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री नंगली दरबार के संत महात्मा हरिहर शरणानंद जी मौजूद हैं। महात्मा जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्मा जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जब हम श्री गुरु दरबार में चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं तो वहाँ हुक्मनामा सुनाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो, इसका सही मायने में क्या अर्थ है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि जब हम श्री गुरु महाराज जी के समक्ष दंडवत प्रणाम करते हैं तो हुक्मनामे की आवाज आती है कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। जनरली क्या होता है कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो हुक्मनामा मिलता है, हम उठ के बैठ जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली फिजिकली, दंडवत करना साइन है कि सब कुछ श्री चरणों में समर्पित, पूर्ण समर्पण, कि मैं अपने मन बुद्धि चित्त के साथ में गुरुदेव आपके चरणों में आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम उठ के बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि श्री आज्ञा का पालन कर दिया, पर ऐसा नहीं है। श्री भगवान जी बोल रहे हैं कि हे आत्मा, आप जहां पर कल थे उससे ऊपर उठो। कि सपोज कल मेरा कोई झगड़ा हो गया था तो आज मैंने उस बात को अपने मन में रखा हुआ है कि मेरे मन में वो दुख है कि जो झगड़ा हुआ या मेरा अपमान हुआ, तो श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं कि उस स्टेज से आप ऊपर उठो। कि कल मैंने 15 मिनट भजन किया था तो आज 20 मिनट, कि ऊपर उठो, तरक्की करो, कि प्रेम में, शांति में, आनंद में, ज्ञान में, त्याग में, वैराग्य में आप उन्नति करो, निरंतर उठते जाओ ऊपर की ओर। आपकी आत्मा को जागृत करते हैं, अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा को हुक्मनामा के द्वारा जागृत करते हैं। देखिए, श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं कि गुरुमुखो उठो। गुरुमुख यानी गुरु का रूप। गुरु का रूप होना कई जन्मों की साधना है, पर जो श्री परमहंस हैं वो इसी जन्म में हमें गुरुमुख बना रहे हैं। श्री आरती में गायन है कि तत्व स्नेह प्रेम की बाती, योग अगिन जिनके, तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। तो अभी हम में से कौन हाथ उठा के बोल सकता है कि हमारा मन 100% शुद्ध है? कोई भी नहीं बोल सकता। तो जब हम श्री आरती पूजा के लायक नहीं अभी तक बन पाए तो गुरुमुख बनना तो बहुत दूर की बात है। कई जन्मों की ये साधना है। पर जो श्री गुरु महाराज जी हैं वो बोल बोलकर अपनी कृपा में दृष्टि देकर अपने प्रेम के द्वारा निरंतर हमें बदलते जा रही हैं। क्योंकि आप देखिए, जब आप श्री दरबार में आए थे तो ऐसे तो नहीं थे। आज निरंतर हम गुस्सा कर जाते हैं, पर गुस्सा करने के बाद में हमें जागृति आ जाती है कि गुस्सा नहीं करना था, मैंने गलत कर दिया। हमसे कई बार गुस्से में कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, दूसरे का जो दिल होता है वो दुखी हो जाता है, पर तत्क्षण उसके बाद हमें याद आता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो ये जागृति तो है, या हम ये कह सकते हैं कि वो हमें जागृत कराते हैं और कहते हैं अपनी त्रुटियों से उठो। बिल्कुल, अपने मन पे विजय पाओ। ये हुक्मनामा तो आत्मिक स्तर पर ही है ना, कि आत्मा को ऊपर उठाना, अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो हमारे पांच विकार हैं, बिल्कुल उनसे उठो, उनसे जी उपरो। श्री भगवान जी हमें उनसे ही, हम लोग तो सोचने की बस फिजिकली वो कहते हैं उठ जाओ, उठ के बैठ। इट्स नॉट फिजिकली, ये आत्मिक स्तर पर है। देखिए, श्री गुरु महाराज जी हमें बहुत सुंदर पेरेंटिंग सिखा रहे हैं कि बच्चे को कैसे पालते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम बोलते क्या है, हम चाहते हैं बच्चा मेरा फर्स्ट आए, और बोलते क्या है, ये तो पढ़ता ही नहीं, और सोचते हैं फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये पढ़ता नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी हमें सिखा रहे हैं कि जो चाहते हो वो बोलना शुरू कर दो, जो चाहते हो वो सोचना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा शुरू कर देंगे तो जो काम आप चाहते हो वो होना शुरू हो जाएगा। कि हम ऐसे नहीं थे, बहुत बड़ी बड़ी कमियों के साथ में उनकी चरण शरण में हम आए थे, और निरंतर उनके प्रेम को पाकर,
उनकी कृपा दृष्टि को पाकर, उनकी पालना को पाकर निरंतर हम ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। तो इट्स नॉट फिजिकली, आत्मिक स्तर पर, कि हमने इसको सिर्फ फिजिकली ले लिया है कि हुक्मनामा हुआ, हम उठ के बैठ गए तो कर दिया श्री आज्ञा का पालन। नहीं, श्री परमहंस हमें और कुछ कह रहे हैं, हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आत्मा को जागृत, आत्मा को जागृत करने की जरूरत है। महात्मा जी, आपने बहुत सुंदर बताया, जिस चीज को हम सब सिर्फ एक फिजिकल लेते थे कि उठना है जी, वो हमें किस स्तर पे आध्यात्मिक यात्रा में उठाती है।